हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत करता हूँ टॉपर्स नीट में। आज अपन फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। एक नया चैप्टर है क्लास 12th, फर्स्ट चैप्टर उसका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज बेसिक पॉइंट केवल पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके टॉपिक वाइज करके मैं 2-3 लेक्चर में इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और मैं गारंटी देता हूं ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि जूलॉजी इंटरेस्टिंग है कि बॉटनी इंटरेस्टिंग है, तो यू कैन ईजली रिप्लाई कि सर जूलॉजी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं ना, जूलॉजी के साथ साथ आपका बॉटनी भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ना, ये दोनों मिक्स है, आधा जूलॉजी है तो आधा बॉटनी है, तो दोनों कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये जो पहला यूनिट है 12th का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अगर इसके अंदर से कोई भी डाउट होगा तो मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हैं, सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया ही नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे ऑन एन एवरेज नीट, एम्स, जिपमर, ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अब मान के चलो नीट, एम्स, जिपमर सबको ही एक ही में ऐड हो गया है, उसका नाम है नीट। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आते हैं एक और, या कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी रही ना, मेरा किस्मत बदल जाता है 2 क्वेश्चन आके, कभी एक कभी 2, जब 2 आएगा तो सोचो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। ओ, जिस चैप्टर से हमेशा एक आता था उस चैप्टर से 2 आया है। ठीक है, तो चलिए इसमें 3 सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला इसमें मैं लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, लाइफ स्पेन के बाद मैं लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करूंगा। ठीक है, और लाइफ साइकिल के बाद मैं रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे स्टडी करूंगा। और रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार के स्टडी, 2 प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। एक हो गया एसेक्सुअल, एक क्या हो गया सेक्सुअल। तो लाइफ स्पेन पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल पढ़ेंगे और सेक्सुअल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है। देखो लाइफ स्पेन का डिफिनेशन क्या होता है कि जो हमारा बर्थ है ना, बर्थ से लेके जो हमारा नेचुरल डेथ होता है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। और हमारा जो डेथ होना चाहिए ना, वो हमारा डेथ कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा बर्थ तो हुआ है नेचुरल, ठीक है, और हमारा डेथ किसी के प्यार में हो जाए, कूद के छत से मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, डूब के मर जाए, ये नेचुरल डेथ नहीं ना हुआ। तो जो हमारा डेथ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और उसी नेचुरल डेथ को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और आता है कि लाइफ स्पेन के स्टेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पेन का सबसे पहला स्टेज है जुबेनिलिटी फेज, दूसरा है मैच्योरिटी फेज, तीसरा है एजिंग फेज, और चौथा है डेथ फेज। कौन कौन से 4 हैं, पहला है जुबेनिलिटी फेज, दूसरा है मैच्योरिटी फेज, तीसरा है एजिंग फेज, और चौथा है क्या, डेथ फेज। क्लियर है, सबसे पहले अपन जुबेनिलिटी फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जुबेनिलिटी फेज, मैच्योरिटी फेज, एजिंग फेज और डेथ फेज क्या होता है,
एक लाइन में सटीक वर्ड में समझेंगे, ठीक है। जुबेनाइलिटी फेज मतलब होता है कि जिसमें हम रिप्रोडक्शन की एबिलिटी गेन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन हम नहीं कर पाते, उसमें हम रिप्रोडक्शन की एबिलिटी गेन करते हैं। ह्यूमंस की मैं बात करूं तो अप टू द प्यूबर्टी, ठीक है। तो जुबेनाइल फेज मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम रिप्रोडक्शन की एबिलिटी क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है। और मैच्योरिटी फेज का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम रिप्रोडक्शन का सिस्टम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जुबेनाइल फेज मतलब कि जिसमें हम गेन करेंगे, और मैच्योरिटी फेज मतलब कि जिसमें हम स्टार्ट कर देंगे। और एजिंग फेज मतलब क्या होता है कि जितने हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, जितने हमारे वाइटल ऑर्गन हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। एजिंग फेज को सेनेसेंस फेज भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा वाइटल ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी वाइटल ऑर्गन है ना, जब हम ओल्ड मतलब कि किशोरावस्था से ओल्ड अवस्था में जाते हैं तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी कम हो जाती है कि कुछ फंक्शन ही वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। और अल्टीमेटली कौन सा फेज आएगा, डेथ फेज। डेथ फेज की, डेथ फेज में क्या बात होती है कि जितने वाइटल ऑर्गन थे ना इनकी एफिशिएंसी कम हो गई थी ना एजिंग फेज में, लेकिन डेथ फेज में पूरी तरीके से इनकी एफिशिएंसी बंद हो जाती है, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, डेथ फेज। जिसमें क्या होगा, वाइटल ऑर्गन जो होता है, ठीक है, ये हमारा फाइनली स्टॉप हो जाता है, उसी कंडीशन को बोलेंगे डेथ फेज, ठीक है। मैंने दो पॉइंट बताया कि लाइफ स्पेन क्या होता है, जब हमारा बर्थ हो और बर्थ से हमारा नेचुरल डेथ हो उसी को अपन बोलते हैं लाइफ स्पेन। हमारा डेथ जो होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए, एक्सीडेंट में मर गए, छत से कूद के मर गए, किसी के वियोग में मर गए, ये लाइफ स्पेन का डिफिनेशन नहीं हुआ। लाइफ स्पेन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए कि हमारा जो डेथ होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हो लेकिन वो डेथ नेचुरल होना चाहिए, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं लाइफ स्पेन। और लाइफ स्पेन को मैंने चार स्टेज में डिवाइड किया हूं, पहला जुबेनाइल फेज, दूसरा मैच्योर फेज, तीसरा एजिंग फेज, चौथा डेथ फेज। जुबेनाइल फेज में हम रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को गेन करते हैं, और मैच्योर फेज में हम रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो चुके हैं, अब हम रिप्रोडक्शन करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और एजिंग फेज में क्या होता है कि जो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, और डेथ फेज में क्या होता है कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कि जितने भी वाइटल ऑर्गन है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक है। अब देखो लाइफ स्पेन के बारे में मैं बता दूं, कुछ ऑर्गेनिज्म का अलग है, कुछ किसी का अलग है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लाइफ स्पेन के बारे में, और इस पे स्टार लगा लेना, अच्छे से स्टार लगा लेना जो मैं बात अब बताने जा रहा हूं। मैं क्या बात बताने जा रहा हूं कि जो लाइफ स्पेन होता है ना वो कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज लिसन केयरफुली, कि जो लाइफ स्पेन होता है वो कभी भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। कैसे, कि जो हमारा लाइफ स्पेन है ये कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं होगा। एग्जांपल में मैं अगर बताऊं, क्रो और पैरोट, क्रो और पैरोट दोनों का साइज सेम होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन इनके लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमेशा लाइफ स्पेन साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि क्रो का लाइफ स्पेन है 20 से 25 ईयर, लेकिन एक पैरोट का लाइफ स्पेन क्या है, 140 ईयर्स।
एक बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है ये, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। क्या है लाइन? कि लाइफ स्पेन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। लाइफ स्पेन किस पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि किसी का साइज कभी बहुत, लाइफ स्पेन किसी का बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल में क्रो हो गया और पैरट हो गया, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, लाइफ स्पेन क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट है लाइफ साइकिल। आइए अब लाइफ साइकिल के बारे में समझते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइफ साइकिल का डिफिनेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। कि जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो, सेम हो, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। जब स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और इंड पॉइंट भी सेम हो, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल में समझाऊंगा तो शायद और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कि कोई पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ठीक है? और ये ऑफस्प्रिंग जो है, ये ऑफस्प्रिंग जो है, एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑफस्प्रिंग भी क्या बन जाएगा, पेरेंट्स बन जाएगा। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट भी पेरेंट्स है और एंड पॉइंट भी पेरेंट्स है। जब दोनों पॉइंट सेम हो तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन को लाइफ साइकिल बोलते हैं। कि अगर एक पेरेंट्स है, उसका ऑफस्प्रिंग हुआ, मेल हुआ या फीमेल हुआ, ये मेल फीमेल कुछ भी हो, ये अल्टीमेटली एक दिन जरूर पेरेंट्स बनेगा, उसी कंडीशन को बोलेंगे लाइफ साइकिल। कि स्टार्टिंग पॉइंट भी पेरेंट्स था, ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट। जब दोनों पॉइंट सेम हो तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। क्लियर है? अब समझते हैं रिप्रोडक्शन के टॉपिक को। दो टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, एक लाइफ स्पेन, एक लाइफ साइकिल, ठीक है? अब दूसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन को भी दो सिस्टम में पढ़ाई करेंगे, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है? तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बहुत बार आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज का, स्पीसीज को इंश्योर करता है। कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? और रिप्रोडक्शन दो भागों में होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल, ठीक है? दोनों को ब्रीफ में पढ़ेंगे, एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन चार पांच पॉइंट मैं बता देता हूं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत टाइप भी हैं, आज केवल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और टाइप को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये क्या होता है, सबसे पहला यूनिपेरेंटल होता है,
यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर है। दूसरा क्या होता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है इसके अंदर। और ये जो प्रोसेस है ना, ये ना डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल में क्लोन प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, कोई एक बच्चा भी जानता हो तो बताइए कि क्लोन का मतलब क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, वो पेरेंट्स का एकदम हूबहू कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर सपोज मैं हूं तो मैं अपने माता पिता के एकदम हूबहू कॉपी नहीं हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन अब्सेंट होता है और एसेक्सुअल में क्या होता है, क्लोन प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और मैं एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये विदाउट गैमिट भी होता है, इसमें गैमिट का इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें गैमिट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन एसेक्सुअल का एक टाइप है जिसका नाम किसी ने सुना है तो बता देना, पार्थिनो जेनेसिस। पार्थिनो जेनेसिस किसका है, एसेक्सुअल का टाइप है, लेकिन इसमें तो गैमिट होता है। तो जनरली एसेक्सुअल विदाउट गैमिट होता है, लेकिन जो पार्थिनोजेनेसिस होता है ना, वो क्या होता है, विथ गैमिट के साथ वर्क करता है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे तरीके से पार्थिनोजेनेसिस को समझेंगे और फिर आज के वीडियो को खत्म करेंगे यहीं पे, ठीक है। सबसे पहले इसमें दो पॉइंट आपको स्टार लगा लेना है कि जो क्लोन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब कि पेरेंट्स का एकदम ऑफस्प्रिंग हूबहू कॉपी होता है, टोटली कॉपी होता है। किसका कॉपी होगा, टोटल पेरेंट्स का, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या समझेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। देखो, इतना डिस्क्राइब करके एनसीईआरटी ने नहीं बताया है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ना पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो समझ लो, मजा आ जाएगा, समझ लोगे तो हाँ पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, मजा आ गया एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का एक एग्जाम्पल मैं ले लूं, हनी बी। ये हनी बी का हाइव है, छत्ता, ये मान के चलो कि हनी बी का क्या है, हाइव है, छत्ता। हनी बी के छत्ते में ना बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसे अपन अच्छे से समझेंगे। पहला क्या होता है, पहला होता है क्वीन, दूसरा होता है वर्कर बी, और तीसरा क्या होता है, ड्रोन होता है। कौन कौन, पहला होगा क्वीन, दूसरा होगा वर्कर बी, और तीसरा क्या होगा, ड्रोन होगा, क्लियर है। और जो ये क्वीन होता है ना, ये क्वीन और ये वर्कर बी क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, और ये जो ड्रोन होता है क्या होता है, ये मेल होता है, क्लियर है। ये जो क्वीन होता है, इसका केवल काम है बच्चा पैदा करना, ये फर्टाइल होता है, और जो वर्कर भी होता है, ये क्या होता है, स्टराइल होता है। मैंने क्या क्या बताया कि पार्थिनोजेनेसिस का एक एग्जांपल हनी बी लिया, हनी बी के हाइव में, हनी बी के छत्ते में बहुत सारे बी होते हैं, लेकिन मैंने तीन कंपोनेंट को लिया, एक क्वीन, एक वर्कर भी, एक ड्रोन को मैंने लिया, ठीक है। जो क्वीन होता है वो फर्टाइल होता है, और जो वर्कर भी होता है वो स्टराइल होता है, और जो ड्रोन होता है वो क्या होता है, मेल होता है, क्लियर है। ये दोनों जो क्वीन और वर्कर भी है ना, ये क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं।
चलिए अब इनकी जो स्टोरी है ना, अकबर बीरबल वाली स्टोरी, उसे समझते हैं। इनकी स्टोरी में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्टोरियों को समझते हैं, इनका स्टोरी क्या है, वर्कर बी, क्वीन, वर्कर बी और ड्रोन को। ठीक है, चलिए स्टोरी समझते हैं। सपोज कि ये क्वीन है, ठीक है, ये है क्या, ड्रोन है। अब एक पॉइंट क्वीन के बारे में याद कर लेना है कि एक नई क्वीन, मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको यहां पे हिंदी में लिख देता हूं, कि एक न्यू क्वीन अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएगी। वंस टाइम ही क्या कर पाएगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएगी। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक एक क्वीन जिंदा रहेगी तब तक वो दूसरे क्वीन को नहीं निकलने देती है। क्यों नहीं निकलने देती है, इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा। पहला पॉइंट कि ये क्वीन अपने लाइफ टाइम में एक ही बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, और दूसरा क्वीन जो है अपने, जब तक दूसरा एक क्वीन जिंदा रहेगी तब तक दूसरे क्वीन को नहीं निकलने देगी। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। अब देखो क्या होगा, ये जो क्वीन है ये क्वीन उड़ते हुए भागेगी और ये जो ड्रोन है ना इनके पीछे आएंगे। हमेशा लड़कियों के पीछे लड़के जाते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना। अब क्या होगा कि 100 ड्रोन क्या होंगे, क्वीन के पीछे भागेंगे। जैसे कि एक लड़की के पीछे कितने लोग भागते हैं, तो वैसे ही ये 100 ड्रोन, ड्रोन क्या है, ड्रोन तो मेल है, ये क्वीन क्या है, क्वीन फीमेल है। ठीक है, क्या होंगे, 100 ड्रोन क्वीन के पीछे भागेंगे और ये जो क्वीन है ना इसमें से 100 ड्रोन में से केवल एक ही ड्रोन क्या कर पाएगा, क्वीन से मीटिंग कर पाएगा, एक ड्रोन केवल। और 99 ड्रोन, 99 ड्रोन जो है ना वो अपने काम में असफल हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। और ये जब पीछे जाएंगे ना तो ये जो हाइव है ना, जो छत्ता है ना, इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हनी भी जो होता है ना, हनी भी इनको फिर अंदर नहीं आने देगा, कितना भी कोशिश कर लें। और ये भूख प्यास के अपेक्षा में तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे अल्टीमेटली। तो जितने जब रिटर्न बैक आते हैं ना, ये अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो एक क्वीन, जो एक ड्रोन है जो इस क्वीन के साथ इंटरकोर्स करता है, इसका स्पर्म जब इस क्वीन के अंदर जाता है, सपोज ये क्वीन होगा, इसका स्पर्म जैसे इसके अंदर जाता है, तो ये क्वीन क्या करती है कि इस ड्रोन को भी ऐसे लप्पे मार के हटा देती है। और अल्टीमेटली जो ड्रोन क्वीन के साथ स्पर्म शेयर किया था ना, वो ड्रोन भी मर जाता है। देखो फीमेल कितनी खतरनाक है, कि जिसने इसका साथ दिया उसको भी इन्होंने क्या किया, रहम नहीं दिखाया। भाई तूने मेरा, मेरे को स्पर्म दे दिया ना, मेरा काम हो गया ना, अब तू निकल जा। वो निकल जाती है, और वो जब निकलती है तो ऐसे फटका मार के निकालती है क्वीन ना, कि ये जो ड्रोन भैया होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, अल्टीमेटली मर जाते हैं। आजकल की दुनिया ऐसी ही है, काम निकल गया तो दूर, जब तक काम है तब तक आओ। देखो एक ने कोशिश किया और इस क्वीन के पास पहुंचा, और ये स्पर्म लेने के बाद क्वीन करती है टाटा बाय बाय जाओ। यहां तक स्टोरी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, गारंटी आपको समझ में आ गया होगा, गारंटी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी समझते हैं। इसके आगे की स्टोरी क्या है, यहां तक समझ में आ गया है, इसके आगे की स्टोरी क्या है,
अब देखो क्या होगा कि इस क्वीन के अंदर ये क्वीन हुआ, इस क्वीन के अंदर क्या होगा कि स्पर्म आ चुका है और एग रिलीज करना इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। अब दोनों क्या कर देंगे, डिप्लॉयड एग बना देंगे, ठीक है। और डिप्लॉयड एग से हमेशा क्या निकलेगा, फीमेल ही निकलता है। और ये कौन सा फीमेल निकलेगा, वर्कर बी ही निकलेगा, क्लियर है ना। इस फीमेल से क्या निकलेगा, वर्कर बी ही निकलेगा। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि क्वीन अपने लाइफ टाइम में एक बार ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएगी, फिर दोबारा नहीं कर पाएगी। इन्होंने तो यहां पे फर्स्ट टाइम कर लिया ना, अब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होगी। अब ये क्वीन क्या करेगी, केवल एग रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, केवल एग रिलीज करेगी। और जो ये एग होता है ना, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। और आपको जान के बहुत खुशी होगा कि इस अनफर्टिलाइज्ड एग से भी एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं ड्रोन। तो समझ में आ गया ना कहानी, कहानी क्या है, क्लियर है। तो पार्थिनोजेनेसिस का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का लास्ट टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। जब मैं पढ़ाई दिया हूं तो पार्थिनोजेनेसिस के टॉपिक के बारे में, टाइप के बारे में मैं बता देता हूं। पार्थिनोजेनेसिस 3 प्रकार के होते हैं, एरिनोटॉक्सी, थैलीटॉक्सी और एम्फीटॉक्सी। कौन कौन सा, पहला है स्पेलिंग देख लेना एक बार, एरिनो टॉक्सी थैली टॉक्सी, और तीसरा क्या होगा, एम्फी टॉक्सी। जब इतना कुछ पढ़ाई दी है ना, क्योंकि नीट में एम्स मर्ज हो गया है, तो एम्स जो अपना क्वेश्चन पूछेगा ना, इतना लुल्लू सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो जानते हो कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि दिमाग की खोपड़ी जल जाए, ओ क्या क्वेश्चन पूछा इसने। इसलिए मैं पार्थिनोजेनेसिस के टाइप को बता रहा हूं। अब देखो एरिनोटॉक्सी क्या होता है, एरिनोटॉक्सी का मतलब होता है कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग से, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से कोई मेल निकल जाए, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे एरिनोटॉक्सी। और इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूं कि अगली क्लास में आपको जरूर बता देना है, या तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है, ठीक है। थैलीटॉक्सी मतलब क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से जब फीमेल निकल जाएगा, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे थैलीटॉक्सी। और इसका भी एग्जाम्पल आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूं, बता देना है। और तीसरा क्या होता है, एम्फीटॉक्सी, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से या तो मेल निकले या तो फिर फीमेल निकले। जब अनफर्टिलाइज्ड एग से या तो मेल निकलेगा या तो फिर फीमेल निकलेगा, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एम्फीटॉक्सी। और इसका भी एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर ही डिपेंड हूं, आप जरूर चैट बॉक्स के अंदर बता देना। तो आई होप कि यहां तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब ए सेक्सुअल के टाइप होते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिजन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, कुछ टाइप है, इनके बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आया हो, तो इस टॉपर्स नीट को, इस वीडियो को पहले लाइक कर देना, इस टॉपर्स नीट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर देना, ताकि पता चल सके दिल्ली में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है
जो इतना स्टैंडर्ड क्लास देता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।